हाँ जी, स्वागत है जी थोड़ा सारे साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। सो अगले गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित एम सी क्यू प्रश्न उत्तर लैके आए हैं। पंजाब हिस्टरी स्टार्ट की हुई है जिदे सारे सिख गुरु साहिबान की हिस्टरी नाल संबंधित क्वेश्चन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट एम सी क्यू प्रश्न उत्तर ने। सो 25 ते 26 तरीक न जोड़ा एग्जाम हो जा रहा है पंजाब पुलिस का। सो हिस्टरी और पंजाब के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। बाकी अपने एडमिट कार्ड है जोड़े वो डाउनलोड कर लियो। एडमिट कार्ड आ चुके ने, प्लेस आ चुकी है कि जगह पर तुहाडा एग्जाम होएगा। सो पहला वाले भाग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीड कर सकते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा। सो उस चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकोन आलते प्रेस करना ना भूलना, तो हर एक अपडेट समय सिर मिलती रही। तो स्टार्ट करते हैं जी श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहले प्रश्न तो स्टार्ट करांगे, सिखां दे पंजवें गुरु कौन होए हन? तो ये होए ने जी श्री गुरु अर्जन देव जी, जो सिखां दे पंजवें गुरु होए ने। सो इन्हां दा जन्म नाल संबंधित सारे क्वेश्चन तुहानू इहदे विच कवर आ जिहड़े करवावांगे। सो गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया सीगा? तो यह होया सीगा जी ऑप्शन ईडी 1563 ईस्वी दे विच, 15 अप्रैल। अगर अगे मंथ पूछ लिया जाता है, दिन पूछ लिया जाता, महीना पूछ लिया जाता है, 15 अप्रैल 1563 ईस्वी दे विच गुरु अर्जन देव जी का जन्म होया सी। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल की सी, जाने कि इन्हों का समा सी किन्ने तो किन्ने तक सीगा? तो यह सीगा जी 1581 तो लैके 1606 तक, ऑप्शन ईडी साडा राइट आंसर आएगा। तो यह गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल सी, इन्हों का समा सीगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी के पिता का की नाम सी? तो इन्हों के पिता का नाम रामदास सीगा, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे इन्हां दी माता जी का की नाम सी? तो इन्हां दी माता जी का नाम बीबी भानी सी, ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी का जन्म किहड़े स्थान ते होया सी? खडूर साहिब, गोइंदवाल, चक नानकी जां फिर तलवंडी साबो? तो इत्थे अधक है। तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म सी जिहड़ा गोइंदवाल विखे होया सीगा, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास दे विच शहीदी की परंपरा नूं किसने जन्म दिता सीगा? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी? तो शहीदी की परंपरा नूं जन्म सी जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने दिता सीगा। इस तो पहला किसी भी गुरु की शहीदी नहीं हुई सी। सो पहले सिख गुरुओं में शहीद होने वाले गुरु से जिहड़े गुरु अर्जन देव जी सीगे, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में सब तो पहला सच्चा पातशाह की उपाधि किसने धारण की सी? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी? तो सच्चे पातशाह की उपाधि है जी सिख इतिहास के सब तो पहला गुरु अर्जन देव जी ने धारण की सी, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के दे पुत्र का की नाम सी? बाल हरगोबिंद, महादेव, बाल कृष्ण या फिर हर राय? तो पंजवें गुरु के पुत्र का नाम से जोड़ा बाल हरगोबिंद सी, ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे सिखां दे पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने अपना बचपन कित्थे बतीत किया? गोइंदवाल, करतारपुर, खडूर साहिब या फिर कीरतपुर? तो यह किया जी गोइंदवाल विखे, इत्थे ही इन्हां दा जन्म होया सी, अपना बचपन से जिहड़ा बतीत किया। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी ते किन्ना समा विराजमान रहे सीगे? 14 साल, 25 साल, 18 साल या फिर 33 साल? तो यह रही सीगे जी लगभग 25 साल, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ साहब का स्करण किस द्वारा किया गया सी? भाई गुरदास भल्ला,
गुरु अंगद देव, गुरु अर्जन देव या फिर बाबा बुढ़ा जी। तो आदि ग्रंथ साहिब का स्खलन है जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी द्वारा किया गया सीगा। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी का समकाली मुगल शासक कौन सीगा? जहांगीर अकबर, शाहजहां या फिर ऊड़ा ते आड़ा दोनों। तो गुरु अर्जन देव जी के समय समकाली मुगल शासक से जोड़े वो दो हुए सीगे, एक जहांगीर होया सीगा ते दूसरा अकबर। सो अकबर चंगा राजा सिद्ध होया सीगा, पर जहांगीर सिखां लई माड़ा शासक से जोड़ा वो सिद्ध होया सी। सो इत्थे तुसीं ध्यान रखना, अगर बने बनाए क्वेश्चन एग्जाम दे विच इदां ही आउंदा तां ऊड़ा ते आड़ा दोनों ऑप्शन आउणगियां। अगर इन्हां ऊड़ा ते आड़ा चों एक ऑप्शन तुहानूं आंसर दे विच आउंदी है जहांगीर आ गया जां अकबर आ गया, तां तुसीं उस हिसाब नाल टिक लगाउणी है। अगला प्रश्न है, दसवंध प्रथा किस द्वारा शुरू की गई सी? गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी। तो दसवंध प्रथा सी जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी द्वारा शुरू की गई सी। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे दसवंध प्रथा तो की भाव है? भूमि कर आमदन का दसवां हिस्सा, धार्मिक कर या फिर यात्रा कर। तो दसवंध प्रथा तो भाव सी आमदन का दसवां हिस्सा। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, दसवंध प्रथा नूं शुरू करन पिछे प्रमुख उद्देश की सीगा? क्यों ये शुरू की गई सी? सिख धर्म का प्रचार करना, घोड़ियां दे व्यापार नूं उत्साहित करना, मीना संपर्ता का विरोध करना, या नवें स्थापित सरोवरां लई धन की लोड़ लई। सो दसवंध प्रथा शुरू करन दा मुख कारण सी जिहड़ा वो नवें सरोवरां लई धन की लोड़ सी, इस करके दसवंध प्रथा सी जिहड़ी शुरू की गई सी कि अपनी आमदन का दसवां हिस्सा जिहड़ा वो दिता जाए। अगला प्रश्न है, चंदू शाह कौन सीगा? सिख श्रद्धालु, मुगल सेनापति, पहाड़ी राजा या फिर लाहौर का दीवान। तो चंदू शाह सी जिहड़ा वो लाहौर का दीवान सीगा, जिन्हें गुरु साहिब विरुद्ध कन्न भी भरे सीगे। सो ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। अगे चंदू शाह किहड़े गुरु का समकाली सी? तो इहदा आंसर तुहानूं पता होएगा, श्री गुरु अर्जन देव जी जो सिखां दे पंजवें गुरु सीगे। तो चंदू शाह इन्हां गुरु साहिब दे समकाली होए ने। अगला प्रश्न है, नक्शबंदी सिलसिले का प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किहड़े गुरु काल दे विच होई सी, किहड़े गुरु साहिबान दे? गुरु रामदास जी, अर्जन देव जी, हरगोबिंद या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी। तो यह हुई सी जी गुरु अर्जन देव जी के समय जो नक्शबंदी सिलसिला सी, तो इसकी स्थापना सी जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी के समय हुई सी। नक्शबंदी सिलसिले का प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? तो इहदा प्रमुख केंद्र सरहंद सीगा। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक कौन सीगा? तो वह सीगा जी शेख अहमद सरहंदी। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, सिख पंथ का पहला शहीद होने का माण किसनों प्राप्त है? या सिख पंथ के पहले शहीद किहड़े गुरु होए सीगे? तो पहला भी तुहानूं दस्सिया होए सीगे गुरु अर्जन देव जी। ऑप्शन सस्सा सॉरी ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर दे विच बौली का निर्माण किसने करवाया सी? तो यह करवाया सीगा जी गुरु अर्जन देव जी ने। ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, तरन तारण विखे दुख निवारण नामक बौली का निर्माण किसने करवाया सी? गुरु रामदास जी, पृथ्वी चंद, गुरु अर्जन देव जी या फिर गुरु हरगोबिंद जी ने। तो तरन तारण विखे दुख निवारण नामक बौली है जिहड़ी, तो इसका निर्माण जिहड़ा पृथ्वी चंद ने करवाया सी। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा।
अगला प्रश्न है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना समय मुगल शासक कौन सीगा? तो वह सीगा जी जहांगीर। जहांगीर और बाबर दोनों मुगल शासक ने जिहड़े गुरु अर्जन देव जी के गुरुकाल के समय होए ने। घोड़ियां के व्यापार नूं किहड़े गुरु ने सब तो पहला शुरू किया? गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी। तो घोड़ियां के व्यापार नूं सब तो पहला स्टार्ट करने वाले गुरु से जिहड़े श्री गुरु अर्जन देव जी। ऑप्शन उड़ा। अगला प्रश्न है, तरन तारण नगर की स्थापना किहड़े गुरु ने की सी? तो यह भी की सी जी गुरु अर्जन देव जी ने। तरन तारण तो की भाव है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाव सागर तो पार पाना, परमात्मा का घर, रब की गद्दी या फिर परमात्मा का वास। तो तरन तारण तो भाव है भाव सागर तो पार जाना या पार पाना। इतने पाना नहीं है, भाव सागर तो। अगला प्रश्न है, करतारपुर शब्द तो की भाव है? भाव सागर तो पार परमात्मा का घर, रब की गद्दी या फिर परमात्मा का वास। तो इतने गद्दी आएगा, रब की गद्दी, क्योंकि फोंट प्रॉब्लम हो जाती है। परमात्मा का घर, तो करतारपुर शब्द तो भाव है जोड़ा वो परमात्मा का घर है। सो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, तरन तारण तो भाव है भाव सागर तो पार, अते करतारपुर शब्द तो भाव है परमात्मा का घर। सो दोनों चो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, करतारपुर की स्थापना किहड़े गुरु साहिब ने की सी? तो यह की सी जी गुरु अर्जन देव जी, जो सिखां दे पंजवें गुरु होए ने। अगला प्रश्न है, करतारपुर नगर किहड़े जिले दे विच स्थित है? होशियारपुर, लुधियाना, जलंधर या फिर अमृतसर। तो करतारपुर है जिहड़ा वो लुधियाना जिले के जलंधर जिले के स्थित है। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। सो इस तो पहला वाला क्वेश्चन नाल ब्रैकट जलंधर आया सीगा, तो इसे विचों क्वेश्चन जिहड़ा निकल के आया। अगला प्रश्न है, गंगासर नामक सरोवर की स्थापना किसने की सी? तो यह की सी जी गुरु अर्जन देव जी ने। ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, खुसरो कौन सीगा? मुगल सेनापति सी, फारसी भाषा का कवि सी, जहांगीर का पुत्र सी या फिर सिख श्रद्धालु सी। तो खुसरो सी जिहड़ा वो जहांगीर का पुत्र सी। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, गंगासर नामक सरोवर कित्थे स्थित है? तो यह स्थित है जी करतारपुर विखे, जो जलंधर जिले के पैंदा है करतारपुर। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के समय मुगल शासक कौन सीगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो गुरु अर्जन देव जी जो शहीद होए सी तो उस समय जिहड़ा मुगल शासक सीगा वो जहांगीर सी। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी नूं किहड़े स्थान ते शहीद किया गया सी? लाहौर, सरहंद, दिल्ली या फिर आगरा। तो गुरु अर्जन देव जी नूं जिहड़ा लाहौर दे विच शहीद किया गया सी। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। सो इतें खडूर साहब नहीं आएगा, तो इतने एक ऑप्शन च है दिल्ली, साडा राइट आंसर आएगा लाहौर। अगला प्रश्न है, सच्चा पातशाह तो की भाव है? रब एक है, रब हर स्थान पर है, अकाल पुरख या फिर महान पुरख। तो सच्चा पातशाह तो भाव है अकाल पुरख। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। गुरु अर्जन देव जी नूं कदों शहीद किया गया सीगा, किहड़े ईयर दे विच शहीद किया गया सी?
ਤਾਂ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊੜਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭੱਲਾ? ਤਾਂ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੇਈਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ? ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚੀ। ਊੜੇ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤਾਂ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜ? ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਸੂਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਾ ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਏ ਸੀ ਬੈਨਰਜੀ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਮੈਲੋਡ, ਇਰਫਾਨ ਅਬੀਬ ਜਾਂ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 635 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 66 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 3 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 3 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਸ ਬੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਡਰਾਫਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ETT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 17/10/2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਅਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।